भी करो देखो ताकि सब मुझे खटिया की सोच के पाया और खटिया के अंकल आंटी के पता मेरा ना देखा तू वाइट वाला लड़का ले ले गाइस जैनब घूम रही है पूरे मॉल में कहां ढूंढने उसको हम हवा जी अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो फातिमा ने देखे आपकी गाड़ी को ठोका है रमजान खत्म होने वाला और ईद आने वाली है तो यार ईद की हमने कोई शॉपिंग नहीं की है और मॉल्स फुल भर चुके हैं तो हमने सोचा कि हमें अभी टाइम मिला है बिफोर सहरी कि हम लोग सारी शॉपिंग कर लें तो मैं फातिमा जैनब हम तीनों जा रहे हैं मिलकर अपनी सारी ईद के कपड़े वगैरह लेने थोड़े से ले लिए थोड़े से रह गए सेकंड डे थर्ड डे के तो लेट्स गो सो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या लगाया तो ये गाइस पिंपल पैच है मैंने न्यू तरीके के मंगवाए हुए हैं तो मैं बड़ी फंकी हूँ एंड लुक हूज हियर आप भी आई हुई है ईद के दिनों में और इधर मम्मा वैसे ही आई हुई हैं वो कपड़े थे कुछ और एक दो मंगवाए लेकिन मुझे और चीज चाहिए मेरे लिए कुछ कुर्ते लाए आपके लिए अच्छे अच्छे कुर्ते मेरे लिए स्पेशल नाम लेके मैं देखूंगी जो मेरे पीछे कुत्ता पड़ा था वो ना ले आओ देखा था मेरे पीछे कुत्ता पड़ा था नहीं कुर्ता कह रही हूँ ठीक है चलो ठीक है ठीक है और एक प्यारी हील ठीक है डन प्यारी ओके एलिगेंट एलिगेंट से हील आपके पास आ डन हम ले आएंगे ठीक है एलिगेंट हील बस चलो ठीक है मम्मा आपके लिए कुछ लेकर आना बस टाइम से घर आ जाना मम्मा के लिए वैसे मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छी चीज ले लूँ मम्मा ने वैसे अपना ईद का ड्रेस जो है ना वो बनवा लिया हुआ खुद ही सिलाई करवा लिया चलो फातिमा हम लेट हो रहे हैं मैं तुम्हें बताना है क्या हिंदुओं की तरह ये आजकल स्टाइल वो है पिंपल पैच है पिंपल्स आ रहे हैं मुझे ईद आ गई है ना इसीलिए वो फिर अंदर से आ रहे हैं दूसरे वाला लगा लो स्टार तो बहुत वेयर्ड लग रहा है क्यों दूसरा वाला लगा लूंगी ना टीचर ने स्टार दिया हुआ है पागल होता है ठीक है मैं दूसरा वाला लगा लेती हूँ गाइस फातिमा ने कहा तेरी बात सुन रही हूँ मैंने कभी ना सुनती चल चल जल्दी आ रहा हूँ जैनब उठो बहुत छोड़ दो जान फोन की चल के बच्चे बस फोन पकड़ लो और कुछ ना करो मैंने भी फोन ही पकड़ा हुआ वैसे हम लोग बैग शेक पकड़ते हैं और निकलते हैं आज शॉपिंग करेंगे जैनब पकड़ लो करना ये बहुत चीजें खरीदती हूं मम्मा फिकर ही ना करें मैं इससे ज्यादा चीजें खरीदूंगी मैं थप्पड़ लगा जा रही हूं ना ये जा रही है ना शादी उससे भी ज्यादा खरीदेगी मेरी जगह पे साथ जा रही दोनों पे नजर रखनी है जो चीज नहीं चाहिए आपको इंटरेस्ट हो जाना चाहिए यार चलो 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 जैनब तुमने आना है कि नहीं तुम अजीब लेट करती हो अजीब सी लड़की हो तुम जल्दी आओ क्या है लावे बस करो अजीब से तुम हो अजीब हो यार आप ऊपर से तुम नोज पिन ना बनवा लिया और कुछ और मैं तो अपने मुंह पे करना वो तो पिंपल नहीं पिंपल को कुछ नहीं कहते होता गाइस पता ना ईद आ गई है तो गाइस आज के माई ड्राइवर है मिस फातिमा और मैं ठेठ लड़कियों की तरह आगे बैठी हूँ क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन अभी ठेठ मतलब होता है कि जो बहुत महाराजा टाइप होता है प्योर 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 तो मैं प्योर लड़कियों की तरह आगे बैठ गई तो लेट्स सारे मिलकर बोलो लेट्स गो तो गाइस आइए हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं अब हम लोग करेंगे शॉपिंग या पोकेमोन की तरह बोलेंगे पोकेमोन शॉपिंग सब लोग राधा के सर पे बना हुआ एक तारा देख सारा मेरे तारा देख रहे हैं एग्जैक्टली भी तारे दिख रहे हैं फातिमा यार तुम्हें क्या मसला है अब हम लोग अच्छे से कुर्ते खरीदेंगे मम्मा नहीं आई है तो बहुत ज्यादा शॉपिंग करूंगी देंगे मैंने मम्मा ने मुझे ये हमारी दूसरी अम्मी हमारे साथ आई है गाइस इसको हम चकमा दे देंगे जैनब तूने और मैंने इसको चकमा देना है नहीं फातिमा इधर आओ फातिमा इधर आओ हमारी कंपनी में आपको हम अभी बताते हैं कैसे शॉपिंग करनी चाहिए तो गाइस हमें लगा था कि मॉल इस टाइम बंद होगा लेकिन खुला हुआ है थैंक गॉड और इस टाइम बिल्कुल भी रश नहीं है तो सब सहरी से पहले पहले टाइम पे आ जा करो आज सहरी भी बात हो रही है वहाँ पे चलो ठीक है हम सहरी भी यहीं पे करेंगे मॉल में ही करेंगे आज ठीक है ना जैनब अगर तुम ये वाला डांस स्टेप मुझे करके दिखा दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी करके दिखाओ पूरा सही से अच्छे से पूरा कॉपी करो ये क्या स्टेप है गाइस फातिमा तुम करो थप्पड़ मारूंगी तुम्हें इधर आओ आते सब मम्मा को बताऊंगी मैं ईद की जी लड़कों की शॉपिंग करने आ गई है लड़कों के कपड़े किसी खरीदे पापा के लिए खरीदे पापा तो यूएसए है तुम किसके लिए खरीद रही हो बट अपने लिए जैनब लड़का बन गई है फातिमा ने मुझे लगता है ये वाली तो पहनी मैंने काला चश्मा जचता है ये अच्छी है वैसे तुम्हें काओ लग रही हो बहुत बड़ी है काओ तो गाइस इधर ये लड़कियां आ गई हैं ये रिक्शे लेके तुम्हें फातिमा ईद पे रिक्शे पहनने मुझे तुम बच्चे बताओ ये वाला बैग अच्छा ईद पे पकड़ने के लिए तो फैशन की दीवानी तो हिजाब भी है गाइस ये इतना प्यारे प्यारे यहां पे रिक्शे लगे हुए हैं ये मटके लगे हुए हैं ये जलता भी है लालटेन अच्छा बहुत प्यारा है ये है ना ये ले ले एक फातिमा ईद पे ऐसे बैग की जगह पकड़ेंगे टम टम कितना ये ले लें फातिमा क्या प्राइस है इसका ये बैग का क्या है 6000 का गाइस बैग है
प्यारा है यार, लेने ईद पे। मेरा तो गाइस ड्रेस भी कुछ इसी तरह का होने वाला है, फंकी राबिया। ये प्यारा है, ये ले सकते हैं हम लोग। ले फातिमा ये वाला, तुम 6000 रुपए का। मैं ले लूँ तो फिर मैं पकड़ लूंगी ईद पे। अब मैं बैग ही, फिर कपड़ों की जगह बैग दिखाऊंगी। पीछे चिड़िया बनी हुई है, पीछे चिड़िया बनी हुई है। तुम ये वाला बैग ले लो फातिमा। नहीं मेरा ये बैग नहीं है, ये तो खाली कुछ ऐसे ही। तुम पकड़ लो ना, बड़ा वायरल जाएगा तुम्हारा ये। वो ये कितना प्यारा है, निकलती नहीं है। और यार इनके पास कप्स भी है, बॉटल्स भी है, और फातिमा भी है। देख मगर प्यार से, देख मगर प्यार से। और जैनब भी है इनके पास, मास्क मगर प्यार से। ये जैनब अपने फायदे के लिए मुझे जो ले आई है कि इसको मम्मा आप देख रही है ना, ये खट्टी खट्टी कैंडीज खा रही है। जैनब चलो यहाँ से ईद पे ये खानी है, सवैया खानी है ईद पे। चलो 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 अभी चलो, मैं सख्त मामा बन गई हूँ। चलो यहाँ से थप्पड़ मारूंगी वरना। चलो चलो गाइस, ईदी बॉक्स मिल रहा है। ये कौन सा ये है ज़ैनब, क्या तुमने खरीदना है यहाँ से? ये पर पर सही है, होता कह रही है कि जनाब ईदी ले दो, से ले दो 400 रुपए का ये। चलो ठीक है ये ले लेते हैं, दे दें आपको, हम घर जाके इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अच्छा ये भालू कितने का मिल रहा है भाई? ये डेकोरेशन ले लो, चलो ले लो। चलो यहाँ से हमने जरा सी शॉपिंग किया, जूते शूते लिए हैं, और सिर्फ इस ज़ैनब की वजह से, इसकी वजह से हमने यहाँ से शॉपिंग की। ईद पे ना आप तुमने यही वाले जूते पहनने हैं, ठीक है ना? ये लो यार, इन्होंने दुकान बंद कर दी। अंकल जल्दी से खोल दें, खोल दें, खोल दें। तो चलो यार अब हम लोग आए हैं सही ईद की शॉपिंग करने। यहाँ पे लगे हुए हैं जी स्टॉल्स, चूड़ियों का स्टॉल। ओ ये कितनी प्यारी चूड़ी, हम ले लें चप्पल। चप्पल ये वाली चप्पल कितने की है? 2400 की। अच्छा मतलब 2400 की। और ये वाली, और ये छोटी छोटी बच्चा भी थे, ईद की शॉपिंग करना है। ईद के कपड़े बना रही है बच्चों ने, हम लोग अभी कर रहे हैं शॉपिंग। चलो और खुस्से ले लेते हैं ना यहाँ से। यार ये वाला खुस्सा भाई कितने का है? 2400 का। भाई मुझे लगता है आपने 2400 सेल लगाई हुई है ना। 2400 वाले खुस्से भी यार अच्छे हैं। फातिमा वाले कपड़े देख लेते हैं, हमने अभी तक कुछ अच्छा खरीदा नहीं है फिलहाल। तो यार ये यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कुर्ते हैं ना, अपने लिए चूज कर लो ईद का। भाई एक कुर्ता कितने का है? 6000 का। वाह ये तो प्यारे हो गया। महंगाई नहीं हुई यार, सस्ते हैं अभी भी। ये वाला मुझे ऑरेंज कलर, इस दफा जो ईद पे पहन रहा है वो कमेंट करे। नहीं जो इस दफा ईद पे ब्लू पहन रहा है वो भी कमेंट करे, जो ग्रीन पहन रहा है और जो ब्लैक पहन रहा है वो तो मस्ट कमेंट करे। क्या पता मैं भी ब्लैक पहन लूं, लेकिन अभी आप लोगों को कंफर्म नहीं पता, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। फातिमा अपने लिए कोई सूट डिसाइड करो यार जल्दी से। देखो यहाँ से ये ब्लू बहुत प्यार लग रहा है, आई स्वेयर ये मैं थर्ड डे पे पहन सकती हूँ। ये देखो क्रॉस करके ला बनाए यार यहाँ से। देखो यार आप ब्रांड छोड़ो, लोकल मार्केट में वहाँ से अच्छी शॉपिंग होती है, प्यारे हैं। अंकल आपकी भी कमाई करवानी चाहिए हमें, है ना अंकल? ऊपर 10% ऑफ है तो हमें फिर ऑफ भी तो मिलेगा ना, अगर 8000 का मिल रहा है तो। ठीक है यहाँ पे तो आपने स्टॉल लगाया, लेकिन इससे पहले आपका आउटलेट है? हाँ भाई इनका आउटलेट भी है, तो अच्छे इनके कपड़े हैं। हमको ये काचू कुरानी खरीद रहे हैं, ये अच्छा है ये मैं ले लेती हूँ। दिखाओ तो गाइस यहाँ पे ऑरेंज कलर का शरारा मिल रहा है ज़ैनब, अगर तो तुम ये ईद पे ले लो तो मैं तुम्हें नंबर दे दूंगी। नंबर नहीं चाहिए, अपना नंबर दे दो। अगर ऑरेंज ले लो तो हमारा बहुत प्यारा लग रहा है यार। ऑरेंज कलर को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना भाई। ये कितने का ऑरेंज वाला? आपको 2500। ओ एक तो प्यार है, देख फातिमा तुम ये पहन लो ना फिर माल्टा। नहीं लेकिन देखो सब मुझे खटे, सारे फातिमा ईद पे माल्टा बन गए यार। और अंकल आप दिखाए ब्लैक प्यारा, इधर दिखाओ फातिमा ये देख, ये कितना प्यारा ये भाई। इसका प्राइस क्या है? 3200 मतलब 3200 का। यार यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आके शॉपिंग करें, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। चूड़ियाँ भी लगी हुई हैं, चूड़ियाँ तो मैं इधर से ले लेती हूँ। भाई मुझे बताएं एक चूड़ियों का सेट कितने का मिल रहा है यहाँ से? ये वाली दिखाएं मुझे, ये वाली। ये लो जी दुकान ही बंद कर दिया, लेकिन मुझे दे दें आप, कोई बात नहीं मैं ईद पे पहन लूंगी। एक तो खरीदने दें, कोई बात नहीं मुझे ना गोल्डन कलर की ये वाली दें, ये ऊपर जो पड़े हैं ऊपर। हाँ ये दिखाएं भाई। ओ ये प्यारी है यार, ये प्यारी है, खरीद ले ना। ये रुको ये मेरी ड्रेस साथ जा रही है ना, ये प्यारी है। चलें ठीक है भाई ये वाली दे दे। कितने की है ये? 350 की दे दें, एक ये दे दें। और ये पिंक वाली दिखाना, पिंक वाली। हाँ ये राबा ये तो ये कितने की? हाँ मेरे ओए ये पिंक वाली प्यारी है भाई, ये भी एक दे दें 350 की। ये कोई बात नहीं हुई है, 350 की 450 की कोई बात नहीं, हम दोनों लेंगे। ये प्यारी है मुझे ले, मैं ले रही हूँ ना ये चोर के बंदे का। तो ठीक है भाई एक ये भी दे, हम मारो मार शॉपिंग करने। मैंने ये लिया है फातिमा गोल्डन, नहीं ये प्यारी है भाई। ये दे दे जरा मुझे ये वाली, ये एक दे दें और ये गोल्डन। तो गाइस फातिमा को ये ब्लू वाली पसंद आई है, ये ब्लू वाली। अब ये कहें कि 550 की हो गई है, ये दे दे ये अच्छी है। तो ये अपनी शॉप देखो कैसे बंद करते हैं दुपट्टों को बांध के। वाह वाह गाइस हम इधर चूड़ियां लेने तो खड़े हो गए, लेकिन इनके पास जो है वो कार्ड है ही नहीं, और फातिमा यहाँ अंदर से कैश निकाल रही है, शायद निकला है। भाई कैश कैश ले रहे हैं, कैश कैश भेज दें आपको। हमने पिंक वाली लेनी है और हमने ये वाली लेनी है गोल्डन वाली।
ये दो गोल्डन तो बहुत तो थोड़ा डिस्काउंट दे दे। ये इसे पिंक दिखाना जरा, ये वाला स्टाइल अच्छा है, ये अच्छा है भाई। पिंक वाला भी दिखाए, पिंक दिखाए, ब्लू दिखाए, ग्रीन दिखाए, रेड दिखाए, सब कलर दिखाए। ये देख फातिमा कांच की है, प्यारी है ना, ये प्यारी। इसमें मेरा साइज दिखाना हाथ का, एक और दिखाए। तो गाइज एंड पर आके जो है हमने सिर्फ दो दर्जन लिया क्योंकि हमारे पास पैसे कैश नहीं था। 570 में सिर्फ दो दर्जन, 570 में सिर्फ दो दर्जन आई है। दिखाए जरा भाई, दिखा दे, दिखा देते हैं, हमें ही मिले। फातिमा देखना जरा, उनका खोल खोल के अंदर से देख रही है उनकी वैरायटी। ना करो फातिमा, अंकल डांटे, अंकल डांटेंगे, छोड़ो मेरी मम्मा डांटेगी, छोड़ो फट के अंकल डांटेंगे, फट के अंकल डांटेंगे। चलो यार हमने शॉपिंग शॉपिंग तो कर ली है, अब हमारी दुकानें सारी बंद हो गई हैं, अब हमने करनी है सहरी। वो देखो जैन ने भी शॉपिंग कर ली है, मेपा भी शॉपर है। यहाँ फातिमा ये पगड़ी ले लो, फातिमा का लड़का मिल गया, ब्राउन वाला मेरा लड़का, और वो ब्लैक वाला मेरा, ब्लैक वाला मेरा, तू व्हाइट वाला लड़का ले ले, तू व्हाइट वाला। अब जी फातिमा के ब्लॉग में उसको डांटे, ये वाला ये नहीं, हिरापी की शादी है ना, इसका दूल्हा का ये फातिमा। मैंने लड़कियों में सुना था दुल्हन साइड पे खड़ी होती है, लड़के सेट करते हैं, लड़के सेट। आजकल दरवाज बदल गया, अब हम लोग कड़े लेके सहरी, क्योंकि सहरी का टाइम हो गया। तुमने सच में डराया बच्चे। खैर अब हम लोग यहीं से सहरी करते हैं, ऊपर खाने में जाते हैं और सहरी शहरी करके मजा करते हैं और सबको घर वालों को जेलस करेंगे। ओ वाओ, वो देख कितनी लंबी लाइन बनाई है लोगों ने, आने की खाली, जाने की भर गई है, यही है हमारा रिवाज। ये लोग जैनब यहाँ बैठी हुई है रोड पे, बल्कि सीढ़ियों पे, जो जैनब जो ऑलरेडी इतना। चलो यार अब हम करेंगे सहरी, सहरी बाबू बहरी बाबू। ये फातिमा भी है, वो जैन है ऊपर, वो जाके बैठी हुई है यार सहरी पे, सहरी फन फैक्ट्री में घूमे जाके, बड़ा मजा से रोलर कोस्टर है, घूम घूम के पेट में भूख लग जाए, बाद में खाएं कुछ ना। ठीक है कोई नहीं, खाली सहरी करते हैं, बस आपको दूर दूर से दिखाती हूँ ये फन फैक्ट्री। किसी दिन कमेंट सेक्शन बताओ कि हम आए कि ना आए। चलो यार तो इधर हम आ गए हैं सहरी शहरी करने के लिए। सहरी में मिर्चे खाओगी ना, पूरा टाइम तो फिर मिर्चे ही लगती रहेंगे, दिन में भी इतनी प्यास लगेगी, कोई बात नहीं। क्या हो गया, चलो बैठो इधर, ऑर्डर शोडा करते हैं, आज माँ बाबा के बगैर ही आए हैं खाने पीने। चलो जी हमारी पहली पहली बाइट्स आ गई हैं, लेट्स सी देम। तो यार ये हमारा मेन्यू, हमने मंगवाया चिकन टिक्के, ये है वेजीज, ये है टिक्का, नहीं टिक्का नहीं, बोटी जो भी है, क्या बहुत चीज मंगाई है, हम मजे से खा रहे हैं सहरी करके, फिर आपसे मिलते हैं। चलो यार हमने सहरी वगैरह कर ली है, नाउ लेट्स गो होम, हम लोग बहुत थक गए हैं, इतनी शॉपिंग कर ली है। ये सही है जैनब की ईदी, तो आपको घर जाके स्पेशली दिखाऊंगी, बाकी ईद के कपड़े आप लोगों को ईद पे ही देखने को मिलेंगे, अभी नहीं वो दिखाऊंगी। सो लेट्स गो गाइस, जैनब घूम गई है, हम वॉशरूम आई थी ये कह के मैं वॉशरूम आ रही हूँ, लेकिन ये हमने वॉशरूम के सारे दरवाजे देख लिए हैं, इसका फोन भी हमारे पास और हमें जैनब नहीं मिल रही है। जैनब घूम गई, जैनब किधर हो यार, कौन से ऊपर वाले में तो नहीं गई कहीं वो जैनब, इधर कोई भी नहीं है फातिमा, बाहर चलो, इधर नहीं है वो। गाइस जैनब घूम गई है पूरे मॉल में, कहाँ ढूंढे उसको हम। गाइस जैनब नहीं मिल रही है, मुझे लग रहा है वो कहीं घूम गई, अब हम ऊपर जा रहे हैं। फातिमा तुम इतने इजी कैसे हो सकती हो, टेंशन दिखाओ थोड़ी सी। पता नहीं मम्मा जी आपकी बेटी हमने घुमा दिया मामा जी, पता नहीं कहाँ चली गई ऊपर, अब देख कर आते हैं, होप तो मिल जाए। हेलो ये ऊपर है, इधर आ जरा लड़की, कहाँ थी, हम तो पता कितना ढूंढ रहे थे, कहाँ थी तुम, तो तुम्हें किसने कहा रात के टाइम वॉशरूम में जाओ, तुम बताओ हमने तुम्हें कितने कोनों में ढूंढा है। अब इसमें मेरी गलतियां और ना कोई बंदा ना बंदा, और मुझे खांसी की आवाज आई वॉशरूम से, और पहली बार फोन क्यों नहीं लेके गई तुम साथ, हम तुम्हें कॉल कर लेते, फोन तुम इधर छोड़ गई हो, कोई हाल है, पापा ने तुम्हें सिखाया ना हमेशा फोन साथ लेके जाना है, कॉल कर दी होगी और फोन, हम पता कितने डर गए थे, प्यार के डर से नहीं करता, गिर गया था वॉशरूम में, ऊपर से कोई आंटी भी नहीं थी, कह रहा अब घर चलो यार। ओ शिट फातिमा ये तुमने लगाई है ना आगे गाड़ी, वो देखो गाइस फातिमा ने इतनी आगे किया है, नहीं मुझे नहीं तुम ही ने किया है ना, वो देखो हवा जी अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो फातिमा ने देखे आपकी गाड़ी को ठोका है, तो गाइस ये देखें पूरा टूटा है यहाँ से। तो गाइस हमने अपनी CID इन्फॉर्मेशन लगाई और हमें पता चला है कि ये ऑलरेडी टूटा हुआ था, लेकिन ये निशान फिर किस चीज का है, दया कुछ तो करना पड़ेगा दया, ये तो पापा ही देख के बता सकते हैं, जी देख के बताएं जरा, घर जाके मम्मा को बताते हैं हमने ये लिया, और बाद में मैंने बिल्कुल भी ओवर शॉपिंग नहीं ना की, इतने हिसाब से ऊपर से अंकल वालों से बार्गेनिंग भी की है, इवन स्टॉल्स वालों से भी और वहाँ दुकान वालों से भी, मम्मा को जाके मेरी तारीफें करनी है तुमने, ओके। सो गाइस फाइनली हम लोग घरों को पहुंच चुके हैं, बाहर इतना इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना, मम्मा को दिखा दो सारा सामान तो पीछे से पकड़ लो यार फातिमा। तो गाइस हम लोग घर आए तो सारे माशाल्लाह से सोए पड़े हैं, ये लो जी मम्मा सोई हुई थी, मम्मा सो जाए अब, हमने सही सही सब कर लिया, आपकी टेंशन खलास, आप भी सो जाओ। ये ये ईद बॉक्स है, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, शॉपिंग तो आपने सारी देख ही लिया, मम्मा का देख रहा पीछे बाल कैसे खड़ा हुआ। चलो यार इसको खोल, जैनब आजो हम खोलने लगे हैं, जल्दी आजो, मम्मा किधर ले गई, मम्मा की एटीट्यूड ही नहीं खत्म।
नींद में एटीट्यूड दिखा रही है। इतनी सी ईदी मम्मा, ये आपकी ईदी है, लेके आई हूँ, खुश हो गई है आपके लिए ईदी लेकर। ला इसको खोलो मम्मा, ना भी ना खोल लेना, आज सारे मिलकर खोलते हैं इसको। आप भी, हमने शॉपिंग किसी को नहीं दिखाई, वो ईद पे, हमारे ईद पे ही आप भी कपड़े देखो, ईद के सूट लेके आए हैं। चलो ये खोलते हैं, एक मिनट, आराम से इसमें से देखो क्या निकला। ये ओ वाह, ये क्या क्या है, ये तो पिंगो है, ये गोले शोले हैं, गोले शोले हैं। और ये मेरी खोलो ना, सारा खोल के दिखाओ। नहीं ना, एक बार खोल दिया खराब हो जाएगा, चीजें देखो, ज़ैनब के लिए गाइस डिफरेंट चीजें हैं। 400 रुपए का है, और यार ये पूरा 400 का है, तो मतलब काफी सस्ता है। हाँ पक्का बात करो, ये 400 का, हाँ 400 का ही था। फातिमा दिखाओ गाइस, दिखाओ जरा। ओए हाँ गाइस, ये 400, लेकिन ये साइज महंगी है, पर एक चीज ही 100 रुपए की होती है। ले दिया करो, हमारे साथ जाती है, हाँ इतना वेस्ट करके आती है, 400 बना लेती है, 400 में तरक जाए, 400 में तरक रही है। ये सही है, ये मजे की चीज है मम्मा, नहीं 400 का ये सही है। मैं ना 400 का लेकर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हूँ, इतना सस्ता दे रहे हैं। सो गाइस, होप सो कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और जल्दी से अपने सारे कमेंट करो कि ईद पे आप लोग क्या क्या पहन रहे हो। बाय।